फंक्शन क्या होता है, आज हम इनके बारे में तो अगर बात शुरू करने स्केलेटल टिश्यू का, तो सभी वर्टिब्रेट्स में एक ऐसा टिश्यू है जो वर्टिब्रेट्स को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब फ्रेमवर्क के साथ ये विस्तृत ऑर्गन्स को अपने अंदर समेट के रखते हैं और उनको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाते हैं। ये स्केलेटल टिश्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, द फर्स्ट इज द कार्टिलेज दैट इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू एंड सेकंड इज द बोन रिलेटेड टिश्यू, सॉरी बोन स्केलेटल टिश्यू दैट इज द हार्डेस्ट। अगर बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज से दो चीजें बनाता है, द मोस्ट ऑफ द मटेरियल द मैट्रिक्स एंड रेस्ट वन इज द कॉन्ड्रोसाइट्स। अभी मैट्रिक्स को वाटर कंटेंट होता है और बाकी रेस्ट में कुछ ग्लूकोज अमीन ग्लाइकेन्स जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट के मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं। जो कोरोना रेडिएटर को डिसॉल्व करता है वो भी एक पार्ट बनाता है कॉन्ड्रोलिन प्रोटीन का। नेक्स्ट मतलब कॉन्ड्रोलिन सल्फेट एंड क्रिएटिन सल्फेट, जब ये प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं दे कॉल्ड द प्रोटियोग्लाइकेन्स, दे कॉल्ड द प्रोटियो। अब ये जो प्रोटियोग्लाइकेन्स है ये जो कॉन्ड्रोलिन होता है, इस कॉन्ड्रोलिन में एक सिस्टमेटिक मैनर कोलेजन फाइबर्स अरेंज होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ड्रोलिन थोड़ा सा हार्ड होता है। बट अगर मैं ओवरऑल की कंपैरिजन करूं तो बिकॉज देयर द मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड होते हैं और कॉर्टिलेज साइज में बना होता है। अब अगर देखा जाए इसका जनरल फीचर तो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पेनिट्री टिश्यू विच फॉर्म्स द सॉफ्ट इंडर स्केलेटन, बताया आपको कि सॉफ्ट बॉडी होते हैं, सो दिस फॉर्म द सॉफ्ट इंडर स्केलेटन ऑफ बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस मीन्स द मैट्रिक्स दैट इज द कॉन्ड्रोलिन।
The cells of the matrix is called the chondrocytes, which remains surrounded by fluid filled spaces called the lectins. ये मैंने अभी आपको कि ये एक fluid filled substances की तरह form होता है, जैसे कुछ इस तरीके से ये chondrocytes. जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं, ये पूरे सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा फैले होते हैं, स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड होते हैं. अगर बात करूं उनके प्लेस ऑफ अपीयरेंस, तो दीज आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द बोन इन जॉइंट्स. Cartilage, trachea की बात करूं जो round structure होता है, ये भी cartilage का बना होता है. epiglottis भी cartilage का बना होता है. तो larynx ये भी cartilage का बना होता है. So the chondrocytes or cartilage tissues are found in the whole of the body, like the on the top of the body, both the joints, trachea, epiglottis, larynx, ear, pinna, nose, teeth, etc. Functions की बात करूं तो ये mechanical support तो provide करती है, साथ साथ ये क्या करते हैं, joints के surface को थोड़ा सा slippery बनाते हैं, चिकना बनाते हैं, जिससे जब movement होता है तो बहुत कुछ friction नहीं होता और हम पेन से बच सकते हैं, तो हमको पेन नहीं होता. जो स्किन टाइप का जो स्केलेटल टिश्यू है, इट इज कॉल्ड द बोन. बोन पूरे बॉडी का जो हार्डेस्ट टिश्यू है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है. इनमें द आर्म जो कि फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, जिससे मसल्स अटैच होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करता है. अगर बात करूं बोन्स के पास जो मटेरियल होती है, इनका कंपोनेंट होता है, वो होता है मैट्रिक्स प्लस ऑस्टियोसाइट्स. मैट्रिक्स प्लस ऑस्टियोसाइट्स. अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स में 30-35% ओसियन प्रोटीन होते हैं और बाकी रेस्ट अमाउंट में जो कि ओसियन प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, रेस्ट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सॉल्ट और कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. ये चारों सॉल्ट मैट्रिक्स में डिजॉल्व होती है, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बोन को हार्डनेस द पॉइंट ऑफ हार्डनेस टू द बोन. अब इसके साथ साथ उस मैट्रिक्स में ऑस्टियोसाइट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल भी प्रेजेंट होते हैं. अब अगर बात करूं मैट्रिक्स, तो द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज अरेंज्ड इन पॉड ऑफ द कंसेंट्रिक रिंग कॉल्ड द लैमिन. अब समझिएगा क्या होता है. आप ये बोन का जो लॉन्ग बोन है कोई भी,
वो एक सर्कुलर फॉर्म है कंसेंट्रिक फॉर्म, किसी सेंटर के अराउंड चारों ओर कवर किए रहते हैं और हर एक सर्कल को क्या कहते हैं, इस कंसेंट्रिक बॉल को हम कहते हैं
आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था केमिस्ट्री में एसी या बेसिक साल्ट से रिएक्ट करती है तो उस साल्ट को डिसॉल्व कर लेंगे और जो रेस्ट पार्ट बचेगा होगा प्रोटीन। तो जब साल्ट कैल्शियम के सोडियम के या फिर मैग्नीशियम के जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो बोन कैसा हो जाएगा, बोन स्पंजी हो जाएगा, बोन बिकम स्पंजी और एक हल्के से चोट से वो टूट के बिखर जाएगा, बस सिर्फ प्रोटीन पार्ट का बचेगा। अगर क्या हो, हम बोन को जला दें, बोन को जला दें तो बोन को जलाएंगे तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोटीन के हैं, प्रोटीन की संरचना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन ये सभी ऑक्सीजन का रिएक्ट करके गैस में फॉर्म हो जाएंगे और ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। जो बेस्ट पार्ट बचेगा वो होगा साल्ट उन्हीं का रिसीव आपको से मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी बोन को बेस में डाल दें तो बोन्स में तो कोई असर नहीं, लेकिन जो मसल्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमने कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू की स्टडी किया जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था कनेक्टिव टिश्यू का। कल एक और टिश्यू बचेगा, एक और